आज इस वीडियो में हम इस पावरफुल रिचार्जेबल एम्पलीफायर को बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस पावरफुल एम्पलीफायर को कैसे बनाया जाता है आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और इस एम्पलीफायर को बनाने के लिए जितना भी सामान लगे है उस सभी सामान का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो गाइस, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए जल्द रिपीट करते हैं। फ्रेंड्स, इस रिचार्जेबल पावरफुल एम्पलीफायर को बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक पीपीसी पाइप। इसका लंबाई है 60 सेंटीमीटर और इसका गोलाई है 11 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स, हम लेंगे 4 स्पीकर। ये सभी स्पीकर 10-10 वाट का है। कुल मिलाकर यहाँ पर मैं 40 वाट का स्पीकर यूज करने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, लेंगे एक ब्लूटूथ मॉड्यूल और लेंगे एक 44 IC का एक पावरफुल एम्पलीफायर किट। और फ्रेंड्स, लेंगे एक 12 वोल्ट का बैटरी क्योंकि ये एम्पलीफायर रिचार्जेबल होने वाला है, तो इसलिए मैं इस बैटरी का यूज करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को कंप्लीट वॉच करना क्योंकि अगर वीडियो को आप स्किप कर देखते हो तो आपको समझने में दिक्कत भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स, प्लीज बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये बैटरी इस पाइप के अंदर नहीं घुस रहा है। इसके लिए इस पाइप को हीट करके बैटरी जैसे शेप देंगे। फ्रेंड्स, चलिए शेप देते हैं। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इस पाइप को कुछ इस तरह से शेप दे दिया। और फ्रेंड्स, आप देखते हैं इसके ऊपर कितने स्पीकर हम फिट कर सकते हैं। बैटरी के जगह छोड़ देते हैं और यहाँ पर एक स्पीकर हो गया, 2 स्पीकर हो गया और यहाँ पर 3 स्पीकर हो गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 4 स्पीकर नहीं यूज कर सकते, इसलिए मैं यहाँ पर 3 स्पीकर यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारा एम्पलीफायर बोर्ड लगेगा और ब्लूटूथ मॉड्यूल लगेगा और 3 वॉल्यूम लगेगा। फ्रेंड्स, इस बोर्ड पर आप आराम से 4 स्पीकर चला सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी मिलेगा। फ्रेंड्स, पहले हम स्पीकर को चिपकाने के लिए जगह बना लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हम 3 स्पीकर के लिए जगह बना लिया। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हम सभी पॉइंट पर सेट कर लिया। यहाँ पर हम ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाएंगे और यहाँ पर 3 वॉल्यूम लगाएंगे और यहाँ पर 12 वोल्ट फीमेल कनेक्टर लगाएंगे और यहाँ पर 3.7 वोल्ट फीमेल कनेक्टर लगाएंगे। फ्रेंड्स, बीच में एक स्विच लगाएंगे और दोनों साइड पर 2 LED होगा। जब हम बैटरी को चार्ज में लगाएंगे तभी ये लाइट ग्लो होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आप कनेक्शन करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इस बोर्ड का कनेक्शन देखते हैं। फ्रेंड्स, आपको पहले ऐसे ही दिखा देता हूँ कहाँ पर कौन सी कनेक्शन होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 IC लगा है 44, इसलिए यहाँ पर 2 कनेक्शन करना पड़ेगा। एक साइड के लिए अलग कनेक्शन और दूसरी साइड के लिए अलग कनेक्शन। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो 6 पॉइंट है। यहाँ पर 3 पॉइंट पर होगा बेस का कनेक्शन और 3 पॉइंट पर होगा ट्रेवल का कनेक्शन। सेम तरीके से इस साइड पर वैसे ही कनेक्शन होगा। और फ्रेंड्स, वॉल्यूम का कनेक्शन होगा यहाँ पर होगा लेफ्ट राइट और यहाँ पर होगा ग्राउंड और इस साइड पर भी ऐसे ही कनेक्शन होगा। यहाँ पर लेफ्ट राइट और यहाँ पर ग्राउंड। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दे सकते हो। यहाँ पर इस बोर्ड को आप 12 वोल्ट से चला पाओगे। आपको एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाना पड़ेगा तभी आप ट्रांसफार्मर से इस बोर्ड को चला पाओगे। और फ्रेंड्स, आपको ब्रिज रेक्टिफायर बनाना सीखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस बोर्ड को आप 12 वोल्ट बैटरी से भी चला सकते हो और ट्रांसफार्मर से भी चला सकते हो। ट्रांसफार्मर से चलाने के लिए एक्स्ट्रा से ब्रिज रेक्टिफायर बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इस बोर्ड को कनेक्शन करना शुरू कर देते हैं। पहले इस तरह का 3 पोटेंशियोमीटर लेंगे। तीनों पोटेंशियोमीटर 6 टर्मिनल का है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 6 वायर जोड़ दिया। पहले एक पोटेंशियोमीटर लेते हैं और फ्रेंड्स, इस पोटेंशियोमीटर का 3 वायर इस साइड पर लगाएंगे और 3 वायर इस साइड पर लगाएंगे। और दोस्तों, आप देख सकते हो बेस का कनेक्शन कर दिया और आप ट्रेवल का कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ पर 3 वायर लगाएंगे और यहाँ पर 3 वायर लगाएंगे। फ्रेंड्स, और एक पोटेंशियोमीटर लेते हैं और सेम तरीके से यहाँ पर लगा देते हैं। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो बेस और ट्रेवल का कनेक्शन हो गया। अब हम वॉल्यूम का कनेक्शन कर देते हैं। और फ्रेंड्स, एक वॉल्यूम लेंगे, इसमें भी 6 वायर लगा हुआ है। 3 वायर एक साइड पर और 3 वायर एक साइड पर लगेगा। वॉल्यूम का दोनों साइड का वायर यहाँ पर जोड़ देते हैं। और वॉल्यूम का 20 का वायर यहाँ पर जोड़ देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर इन लिखा है, यहाँ पर जोड़ दिया। फ्रेंड्स, दूसरे साइड पर भी सेम तरीके से लगा देते हैं। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो दूसरे साइड पर भी जोड़ दिया और 20 का यार यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ पर इन लिखा है। और आप देख सकते हो हम वॉल्यूम का कनेक्शन भी कर दिया। और फ्रेंड्स, अब हम इस दोनों स्पीकर को दोनों साइड पर जोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जब स्पीकर जोड़ने वाले हो तो आप इस टर्मिनल को गिन कर जोड़ना। दोनों तार में से एक वायर लगाएंगे यहाँ पर, ये होगा 3 टर्मिनल, यहाँ पर जोड़ देंगे। और स्पीकर का दूसरा वायर ऐसे गिन के 5 टर्मिनल जहां पर रुकता है तो वहां पर ही लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, सेम तरीके से दूसरी साइड पर भी स्पीकर का वायर 3 और 5 टर्मिनल पर जोड़ देते हैं।
और फ्रेंड्स यहाँ पर हम ऑक्स का कनेक्शन करेंगे, यहाँ पर आप ब्लूटूथ मॉड्यूल भी लगा सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो आउट लिखा है, यहाँ पर दो वायर जोड़ देंगे और यहाँ पर एक वायर जोड़ देंगे। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो ऑडियो इनपुट के लिए यहाँ पर हम तीन वायर जोड़ दिया और मैं इस ब्लूटूथ मॉड्यूल से ऑडियो इनपुट देने वाला हूँ। अब हम यहाँ पर 12 वोल्ट देने वाले हैं। फ्रेंड्स अब यहाँ पर ये बड़ा वाला जो कैपेसिटर देख रहे हो यहाँ पर हम 12 वोल्ट देंगे। कैपेसिटर का इस साइड पर है माइनस और इस साइड पर है प्लस। फ्रेंड्स ये है हमारा पास 12 वोल्ट की बैटरी। बैटरी का पॉजिटिव वायर हम इस साइड पर जोड़ देंगे और बैटरी का नेगेटिव वायर हम इस साइड पर जोड़ देंगे। और दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा कनेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितना सिंपल कनेक्शन है। तो फ्रेंड्स जितना भी 44-40 बोर्ड है सभी का कनेक्शन बिल्कुल एक जैसे ही है। तो फ्रेंड्स अब इसके अंदर फिट कर देते हैं। पहले इसके अंदर से वायर घुसा देते हैं, फिर स्पीकर पर वायर जोड़ देते हैं। फ्रेंड्स इस बोर्ड से जो स्पीकर का वायर निकला है वो हम इस तीनों स्पीकर पर लगा देंगे। और फ्रेंड्स बैटरी का दो वायर हम इस बोर्ड पर जोड़ देते हैं। बैटरी का एक वायर पर हम काट लगाएंगे और इस स्विच पर लगा देंगे। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस वायर पर हम एक स्विच लगा दिया। फ्रेंड्स बैटरी का वायर पर और दो वायर जोड़ देंगे क्योंकि हम चार्जर का फीमेल कनेक्टर वहां पर लगाने वाले हैं। और फ्रेंड्स इस फीमेल कनेक्टर को लगाने से पहले एक इंडिकेटर बना लेते हैं। आप इस डायग्राम को देखकर आसानी से एक इंडिकेटर बना सकते हो। इसके लिए हम एक एलईडी लेंगे और 2K का एक रेजिस्टेंस लेंगे और एक 540 एक डायोड लेंगे क्योंकि 12 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने वाले हैं। और फ्रेंड्स डायोड का जो व्हाइट कलर हिस्सा है वो लाइट की तरफ कर देंगे और आप इसका कनेक्शन कर देते हैं। और फ्रेंड्स फीमेल कनेक्टर का प्लस वायर हम डायोड का व्हाइट साइड पर जोड़ देंगे और फीमेल कनेक्टर का माइनस वायर हम रेजिस्टेंस का यहाँ पर जोड़ देंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम बैटरी का इंडिकेटर बना लिया और ये दोनों टर्मिनल हम बैटरी पर जोड़ देंगे। और फ्रेंड्स हम ब्लूटूथ मॉड्यूल को अलग से पावर देने के लिए एक लिथियम बैटरी लेंगे। इसको चार्ज करने के लिए एक फीमेल कनेक्टर लेंगे, इसको भी हम सेम तरीके से जोड़ देंगे। इसके लिए और एक इंडिकेटर बना लिया। ये 4 वोल्ट का बैटरी है इसलिए यहाँ पर मैं छोटा डायोड यूज कर रहा हूँ। ये है 4007 डायोड और यहाँ पर मैं 1K का रेजिस्टेंस यूज कर रहा हूँ। और इस बैटरी से दो वायर निकला, ये वायर हम ब्लूटूथ मॉड्यूल पर लगा देंगे। इसके पहले एक वायर को बीच में काट लेते हैं और इस स्विच पर लगा देते हैं। हम स्विच को जब ऑन करेंगे तब ये ब्लूटूथ मॉड्यूल ऑन होगा और ये बोर्ड भी ऑन होगा और जब हम इस स्विच को बंद करेंगे तो सब कुछ बंद हो जाएगा। फ्रेंड्स इस बैटरी का वायर हम इस ब्लूटूथ मॉड्यूल पर जोड़ देते हैं। ब्लूटूथ मॉड्यूल के इस साइड का वायर है पॉजिटिव और इस साइड का वायर है नेगेटिव और अब इन दोनों वायर को हीट श्रिंक ट्यूब से कवर कर देते हैं। फ्रेंड्स इस एम्पलीफायर मॉड्यूल से जो ऑक्स का वायर बाहर निकला था और फ्रेंड्स इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को इस बोर्ड पर जोड़ देते हैं। और फ्रेंड्स हमारा सभी कनेक्शन कंप्लीट हो गया और अब हम इस बॉक्स के अंदर सभी चीज को फिट कर देते हैं। प्लीज वीडियो पर बने रहना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। फ्रेंड्स आप देख सकते हो लगभग सभी चीज को फिट कर दिया और अब हम तीनों स्पीकर पर स्क्रू कस देते हैं। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो हम इस एम्पलीफायर का पूरा कनेक्शन कंप्लीट कर दिया और इस साइड पर एक ढक्कन लगा दिया और इस साइड के लिए भी एक ढक्कन बना लिया। पहले इस बैटरी को इसके अंदर घुसा देते हैं और अब हम इस ढक्कन को भी लगा देते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस साइड को भी कवर कर दिया। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर चार्ज पर लगाते ही ये लाइट जल चुका है। इसमें जो 12 वोल्ट बैटरी लगा दिया है उसका चार्जर है ये और जो लिथियम आयन बैटरी लगा दिया है उसका चार्जर ये है। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो ये पूरा सिस्टम चालू हो जाएगा। ब्लूटूथ मोड पेयर्ड। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर NCS सॉन्ग बजा के दिखाने वाला हूँ, प्लीज बने रहिएगा। अब इसका साउंड क्वालिटी सुनना, कितना जबरदस्त साउंड क्वालिटी आता है। फ्रेंड्स आप देख चुके हैं ये एम्पलीफायर कितना ज्यादा पावरफुल है और इसका साउंड क्वालिटी कितना जबरदस्त है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया कि इस एम्पलीफायर को कैसे बनाया जाता है। और फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो कौन सी प्रोजेक्ट बनाएंगे मुझे वो भी कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।